नमस्कार मित्रों, मैं हूं रतन सिंह और स्वागत करता हूं आपका बिग वर्ल्ड पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आज हम जानेंगे कि एक ही फ़ोन में तीन तीन इंस्टाग्राम कैसे चलाए। तो आप देख सकते हो कि मैं एक ही एंड्रॉइड फ़ोन में तीन तीन इंस्टाग्राम आईडी यूज करता हूं, तो आप भी इसे कर सकते हो आराम से आया आसानी से। इसके लिए दो एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए सबसे सर्वप्रथम आप गूगल प्ले स्टोर को खोल लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिए डुअल स्पेस, डुअल स्पेस, डुअल स्पेस का आप देख सकते हो कि एक का इंटरफेस ऐसा होगा ये वाला। इसकी रेटिंग 4.4 है जो कि बहुत ही अच्छी है, और इसके डाउनलोड करने वाले 100 मिलियन है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन कर दीजिएगा यहाँ से, और यहाँ से आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो मैंने इसमें इंस्टाग्राम की आईडी भी बना दी है, इसके लिए मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। इसलिए यहाँ पे आप जैसे ओपन करोगे आगे ऐड आएगी, तो ऐड को कट कर देना। ओपन करोगे तो आपको आईडी का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको आईडी बनानी। मैंने इस पर आईडी बना दी इसलिए आपको नहीं बता सकता। देख सकते हो कि मेरी सेकेंड आईडी है ये, आप आराम से देख सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पर फॉलोवर भी आपको बता देता हूँ। फिर को गलत बताया कि 194 फॉलोवर्स है और फॉलोइंग है 78। ये मेरी सेकेंड आईडी है, और मैं आपको फर्स्ट आईडी भी यूज करके बता देता हूँ। तो मैं अपनी फर्स्ट आईडी इंस्टाग्राम की बता दें, ये मेरी फर्स्ट आईडी है, या फिर ये फर्स्ट आईडी है। फर्स्ट आईडी भी आपको इंस्टाग्राम पे मैं बता देता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट आईडी, देख सकते हो इसके फॉलोइंग्स में 441 फॉलोवर है और 1168 फॉलोइंग है। इसी प्रकार आपको सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है गूगल प्ले स्टोर में आप जाएंगे, और आप जैसा आपने डुअल स्पेस सर्च किया होगा, नहीं किया होगा तो वापस कर दे। डुअल स्पेस सर्च बता देता हूँ आपको। डुअल स्पेस सर्च करने के बाद ये आएगी एप्लीकेशन, बता देता हूँ आपको। ये आएगी एप्लीकेशन, इसका इंटरफेस ऐसा होगा। इसे ओपन कर देना, इसे ओपन कर देना। मैंने इसे इंस्टॉल कर देना, मैंने इसे इंस्टॉल करने का मेरा ऊपर ओपन का नाम बता रहा है। तो इसे आप जैसे ओपन करोगे तो इसका ऐसा दिखेगा इंटरफेस, और फिर यहाँ पर आपको अगर इंस्टाग्राम का ऑप्शन नहीं आता तो ऐड ऐप पे क्लिक करना है, और आपके पास जितने भी अभी ऐप है रनिंग में वो ऐप यहाँ पर आपको बता देगा। तो आपको मान लीजिए कि मुझे ये लाना, तो व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना तो आ जाएगा, यूट्यूब पे क्लिक कर देना यूट्यूब पे आ जाएगा दूसरा। तो आपको फिर उसके बाद ऐड स्पेस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को यूज कर दिया, इसलिए यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं बता रहा। जो आप यूज नहीं करोगे उसका ऑप्शन आपको बता देगा, फिर आपको बाहर आ जाना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इंस्टाग्राम का आ गया है। तो आप इंस्टाग्राम का अकाउंट का इंटरफेस देख सकते हो। पहचानने की सबसे बड़ी इकला है कि ये इसका इंटरफेस देखिए, इसका इंटरफेस ऐसा है। और जो हमने फर्स्ट पर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उसका इंटरफेस भी आपको आराम से बता देता हूँ मैं, डुअल स्पेस ये वाली से। उसका इंटरफेस आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो ऐसे ही बताएगा, यहाँ पर तो आपको पता है कि डायरेक्ट खोलने पर ऐसे ही बताएगा, लेकिन जब आपको यहाँ से ऐड करोगे, ऐड शॉर्टकट, ऐड इसको ऐड शॉर्टकट पर क्लिक करोगे, आपको बता देता हूँ, यहाँ से ऐड शॉर्टकट या क्रिएट शॉर्टकट पर करोगे तो वहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने इसको कर दिया इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बाहर आ जाना। और इसी प्रकार इसमें इस एप्लीकेशन में भी आपको ऐड क्रिएट पर कर देना है या ऐड शॉर्टकट पर क्लिक कर देना है, ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से इंस्टाग्राम को लेके यहाँ पर कर देना क्लिक, क्रिएट शॉर्टकट पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने कर दिया इसलिए नहीं कर रहा, बाहर आ जाना। मैंने एक साथ ला ली एप्लीकेशन, आप यहाँ कहीं भी आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है। तो मैंने तीनों को आप देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन तो मेरी फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है, देख सकते हो कि ये फर्स्ट वाली है, और सेकेंड वाली जो यूज की थी वो डुअल स्पेस वाली वो ये है ये, और थर्ड वाली है इसका इंटरफेस मैंने आपको बता दिया था, ये है इसका थर्ड। तो आप देख सकते हो कि 1, 2 और 3 तीन तीन एक ही एंड्रॉइड फ़ोन में तीन तीन आप एप्लीकेशन कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो,
चाहे कोई भी गेम हो, यूट्यूब हो, YT स्टूडियो, कोई भी XYZ, इसी प्रकार आप अपने फ़ोन में तीन तीन यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।